नौगांव सस्वा की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव की तुगलकी फरमान और तालिबानी रवैया हुआ उजागर। आपको बताते चलें, अस्पताल में पर्ची बनवाना अति आवश्यक, इलाज नहीं, चाहे मरीज की मौत ही क्यों ना हो जाए। पर्ची बनवाने घंटों लाइन में खड़े लगभग 75 वर्षीय वृद्ध की पत्नी की हुई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव के बाहर मौत। 70 वर्षीय वृद्धा हल्की बाई ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के तुगलक की फरमान और तालिबानी रवैये के चलते अस्पताल के बाहर तोड़ा दम। बीमारी की गंभीर हालत में भी वृद्धा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव में बिना पर्ची के नहीं दिया गया इमरजेंसी इलाज और ना ही वार्ड में बिस्तर। 75 वर्षीय प्यारीलाल निवासी हीरापुर तप्रियन ने लगाए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन पर गंभीर आरोप। प्यारीलाल निवासी हो? मैं हीरापुर का हूँ। जे हमने जो पैची पैची कटवाई चलो हमारी दुकैया जान हो गई। कितनी देर से आए थे आप अस्पताल? हम आए थे एक घंटा हो गए थे। अच्छा, तो क्या ज़्यादा तबीयत खराब थी क्या? हाँ, ज़्यादा आती महाराज। तो क्या यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं आया क्या समय पर? हम पर्ची कटवाओ थे चलो भाई, एक घंटा लग गए लाइन में लगे। अच्छा, लाइन में लगे रहे या पर्ची बनवाते रहे तब तक? हाँ चलो भा। क्या की क्या नाम है उनका? हल्की भाई। कितनी उम्र होगी लगभग उनकी? तो हो गए 70-75 की। कहाँ पे खत्म हुई है? यहीं तो अस्पताल में। अस्पताल में कहाँ पर? बाहर। अंदर उनको बेड नहीं मिला? हाँ हाँ।